हेलो बेटा, वेलकम टू सफी फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि विद्युत धारा से संबंधित एक पार्ट हम आपको दे चुके हैं, परीक्षा आपकी निकट है, इसलिए आपका सेकंड ये पार्ट है, विशेषकर हाई स्कूल बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि वैद्युत धारा की दिशा तथा आवेश की गति में क्या संबंध है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आंसर है, किसी परिपथ में धनात्मक आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, अतः चालक में वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। कहने का मतलब कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा की दिशा अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन जो उसके विपरीत दिशा में बहते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहे हैं तो धारा की दिशा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी बह रहे हैं तो धारा की दिशा बी से ए होगी। ठीक, ये होगी। उसके बाद अमीटर का क्या कार्य है, इस परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। अमीटर का कार्य है, धारा को मापने में काम में लिया जाता है। धारा को मापने के लिए जिस उपयोग का प्रकरण, क्या कहते हैं, उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं अमीटर। तो इसमें दिया है कि परिपथ में धारा मापने हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा अमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को, और अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश क्यू, विभवांतर वी तथा कार्य डब्ल्यू में क्या संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो आवेश क्यू, विभवांतर वी और कार्य डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू क्यू के, ये संबंध होता है, जहां पर W क्या है किया गया कार्य, V क्या है विभवांतर, Q दिया गया आवेश है। ओम का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है ताप दाब, ठीक, भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो चालक में बहने वाली जो धारा है चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, चालक के सिरों का विभवांतर नियत रहे तो चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है क्या, धारा। ठीक, तो ये होता है V अपान I इक्वल टू R के, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम की परिसीमाएं क्या हैं। कोई भी चालक ओम के नियम का पालन उस समय तक करता है जब तक चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल और ताप नियत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप कम करने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R A/L, जहाँ एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये चालक तार है। ठीक, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम तथा 2 ओम है, 4 ओम और 2 ओम है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं। पहले तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही, दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनमें प्रवाहित धारा समान होती है। ठीक, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अर्थात दोनों प्रतिरोध तारों में समान धारा बहेगी। इसका सीधा सा फंडा है कि जब, देखिए, जब क्या कहते हैं, बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। ठीक, जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है। तो ये किस क्रम में है, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब कि एक प्रतिरोध ये है तो इसके साथ में एक ये है। ठीक, दिशा सेम है तो इसका मतलब कि जब दिशा सेम हो तो धारा क्या बहेगी, समान धारा बहेगी, ये याद रखना। कैसी धारा बहेगी, समान धारा। ठीक, तो 2 एम्पियर की एक में बहे तो अगले में भी 2 एम्पियर की बहेगी। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हो। ठीक, किसी तार गर्म होना ही ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, यानी वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे बल्ब होता है हमारा, हीटर होता है ना, प्रेस होता है, ये सब ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में
किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो है लंबाई पर निर्भर करती है और मोटाई पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी आर ओम प्रतिरोध के चालक में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर वी वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो टी सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला लिखिए। ये फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 जूल के। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित वैद्युत संयंत्रों के नाम लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, विद्युत बल्ब हो गया, वैद्युत ऊष्मक हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गया हमारा। वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए, सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है पी बराबर होता है ठीक ऊर्जा बटे समय। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। ठीक, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा 60 वाट लिखा ऐसा क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि वैद्युत बल्ब को अगर 220 वोल्ट पर जलाया जाता है तो इसमें 60 वाट की शक्ति क्षय होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, एक किलो वाट घंटा को जूल में बदलिए और एक किलो वाट घंटा बराबर हो 3.6 और 10^6 जूल के, ये होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें एक चित्र दिया गया, देखिए ये चित्र दिया गया है, इसमें 2 ओम का प्रतिरोध लगा, इसमें 6 ओम का लगा है, फिर 3.5 ओम का, 2 ओम का। कह रहा है ए व सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ए व सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं चित्र को। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि बी सी के मध्य पहले हम निकाल लेते हैं, बी और सी के मध्य निकाल लेते हैं, फिर जो मिलेगा वो ए और सी के बीच का हो जाएगा। ठीक, तो B और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध है 1/6, 1/2 और 1/6, ये लगा हुआ है। इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो कितना आता है BC के बीच का 1.2 ओम के। फिर ये कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, 2 ओम का पहले से ही, 3.5 ओम पहले का, और इसका जो नेट निकला है ये निकला है 1.2 ओम को। ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम, 3.5 ओम, फिर 1.2 ओम। इस तरीके से 2 ओम, 3.5 ओम, 1.2 ओम मिलके कितना हो, 6.7 ओम। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक,